फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग ऑनियन की हरे प्याज की सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आप पराठे के साथ या रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर यू क्रिएशंस। स्प्रिंग ऑनियन की सब्जी के लिए यहाँ मैंने लिया 150 ग्राम स्प्रिंग ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 छोटे आलू और 1 बड़ा टमाटर। ऑनियन की सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें बारीक कटे हुए आलू ऐड करेंगे। आलू को 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से इस सब्जी को बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसमें आलू हमारा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा। आप चाहें तो इसको ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ बहुत कम तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे। 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये हमारे आलू 70% कुक हो गए हैं। हमें इनको पूरा पकाना नहीं है। नाइफ से हम आलू को देखेंगे, ये हमारा आधा ही कुक हुआ है। अभी पूरी तरीके से ये पका नहीं है। बस अब हम इसे इसी स्टेज पे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच तेल ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और अपना वाइट वाला स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे और इन सबको हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें 1 चॉप्ड टमाटर ऐड करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, और नमक, नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने पहले भी करा था। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मसाला हमारा पक गया और टमाटर सॉफ्ट हो गया। अब हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे और स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट ऐड करेंगे। स्प्रिंग ऑनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है, इसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम सब्जी को कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि हमारा आलू सॉफ्ट ना हो जाए। आलू को पकने में 3 मिनट लगे हैं। मैंने बीच में सब्जी को 1 बार चलाया भी था। ये हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी सब्जी को डिश आउट करते हैं। इस सब्जी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जिससे आप खाना चाहते हैं उसके साथ इंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।